स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NCERT क्लास 12th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन में आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करना है। ओके, तो मैंने काफ़ी इजी वे में आपको क्या है बता दिया है कि आपको किस प्रकार से क्या है इंटीग्रेट करना है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को। ओके, अब एक्सरसाइज देखते हैं। एग्जांपल्स हमने पहले ही क्या है एग्जांपल्स में ऑल द क्वेश्चंस को क्या है सॉल्व किया हुआ है। बेटा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो देखो क्वेश्चन नंबर उसमें लिखा है इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37। 1 से लेके 37 में क्या है इंटीग्रेट करना है आपको। आई बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है 2x/1+x2। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2x/1+x2 एंड dx। तो स्टूडेंट देखो 2x/1+x2 dx है, तो आपको क्या करना है? देखो बताए ना क्या सब्सटीट्यूट करना है, 1+x2 को t लेट कर लो बस। ओके, तो लेट 1+x2 = t। ओके, इससे क्या होगा क्वेश्चन इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट ज़्यादा बकवास नहीं, तो ये आपका क्या है 2x = dt/dx। क्लियर है कि नहीं? यानी कि dx = बेटा आपका 1/2x dt, ये आपका आ गया। ओके, अब आप क्या है नाउ लिख के क्या है इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट 2x/1+x2 dx। ओके स्टूडेंट, आपका क्या है 2x/1+x2 को आपने t लेट किया हुआ है 1/2x। ओके, एंड dt ये आपका कैंसिल आउट, 1/t dt क्या log t प्लस एक आपका क्या है वही पुराना वाला कॉन्स्टेंट log t की वैल्यू क्या है आपकी 1+x2। ओके, प्लस एक आपका कॉन्स्टेंट, ये आपका हो गया। ओके, अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है आपका क्या log x का होल स्क्वायर upon x dx। तो स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है इसमें log x = क्या बेटा t पुट कर देना। ओके, तो ओके अब आप ये मत कहना कि सर तुम तो क्या है करते चले जा रहे हो। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? अरे यार क्वेश्चन तो करो, एक दो क्वेश्चन तो करो। ओके, आप देखो log x का क्या है क्या आएगा 1/x आएगा, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो पुट log x = t, तो ये आपका क्या 1/x = बेटा क्या dt/dx। ओके, dx आपका इधर तो क्या आ गया x dt। क्लियर है कि नहीं? अब आपका क्या log x का होल स्क्वायर upon x dx यहाँ पे नाउ लिख लेना। ओके, इक्वल टू क्या आपका देखो log x आपका t है, तो t² upon x और dx की वैल्यू क्या है x dt, ये आपका कैंसिल आउट, t² dt क्या होगा 1/3 t³। ओके, प्लस एक वही आपका क्या पुराना वाला। ओके, तो 1/3 t की वैल्यू क्या है log x³। ओके, प्लस एक आपका कॉन्स्टेंट। क्लियर है? स्टूडेंट करते हैं एक और क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब यार देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया ये x कॉमन ले लिया यहाँ से नीचे से, तो x 1+ क्या आपका क्या log x आ गया और क्या dx। क्लियर है? अब स्टूडेंट आप क्या है 1+log x आप क्या है t लेट कर लो। ओके, तो लेट 1+log x = t, देखो 1 का 0 log x का 1/x = dt/dx। ओके, यानी कि dx = क्या x dt। अब स्टूडेंट आप नाउ लिखो। ओके, एंड क्या 1/x + log x dx, यही तो आपको सॉल्व करना है 1/ ओके x। देखो स्टूडेंट ये तो आपने t लेट कर लिया है, t इंटू dx की वैल्यू आपकी क्या है x dt, ये आपका कैंसिल आउट, ये आपका क्या हो जाएगा log t प्लस आपका क्या है ct की वैल्यू रख लेना, आपका क्या है आंसर हो गया। ओके, t की वैल्यू क्या 1+log x। ओके, अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन sin x
साइन एक्स, फिर है आपका साइन इंटू साइन कॉस एक्स, ओके एंड डी एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या करो, साइन एक्स टी लेट कर लो, ओके तो लेट वो सॉरी साइन एक्स नहीं कॉस एक्स, ओके कॉस एक्स इक्वल टू टी ये, ओके तो कॉस एक्स इक्वल टू टी लेट कर लिए, तो अब क्या कॉस एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी डी एक्स आपका इधर चला गया तो आपका क्या माइनस वन अपॉन साइन एक्स डी टी, क्लियर है बेटा। अब देखो अब आप नाउ लिखो, ओके इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स, तो ये आपका क्या है देखो साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स आपने क्या है टी लेट कर लिया, डी एक्स की वैल्यू क्या है वन अपॉन साइन एक्स ओके डी टी, बट ये नेगेटिव है ओके तो डोंट फियर कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स क्या है कैंसिल आउट, माइनस आपका बाहर आ गया ओके। अब साइन टी क्या रह जाएगा साइन टी डी टी, तो साइन टी डी टी क्या होगा साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस माइनस क्या प्लस कॉस टी प्लस आपका क्या सी, तो कॉस टी की वैल्यू क्या है आपकी कॉस एक्स है ना, और प्लस क्या आपका वन कॉन्स्टेंट ओके। तो स्टूडेंट ये आपको क्या है क्वेश्चन नंबर फोर तक हो गया ओके। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर फाइव है, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन स्टूडेंट्स। अब है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव, जो क्वेश्चन नंबर फाइव आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका साइन ए एक्स प्लस वी कॉस ए एक्स प्लस वी डी एक्स। तो स्टूडेंट देखो आप इसमें क्या करो साइन ए एक्स प्लस वी कॉमन कर वो लेट ले लो, लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू आपका क्या टी। अब देखो साइन ए एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस ए एक्स, तो स्टूडेंट क्या साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, तो साइन ए एक्स प्लस बी का क्या होगा कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का क्या होगा आपका ए डी टी ओवर डी एक्स, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो डी एक्स आपका उधर चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा ना, तो डी एक्स इक्वल क्या वन अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी ओके एंड डी टी। अब नाउ ओके तो आपको क्या साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू बेटा आपका क्या देखो साइन ए एक्स प्लस बी को आपने क्या है टी लेट कर लिया है ना इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी ओके इंटू डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या है देखो ये रही वन अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी ओके और क्या डी टी दिस आपका कैंसिल आउट वन अपॉन ए स्टूडेंट आपका बाहर आ जाएगा तो टी का क्या होगा टी डी टी रह जाएगा ना तो वन अपॉन टू टी स्क्वायर प्लस सी यानी कि वन अपॉन टू ए ओके और ये क्या है साइन ए एक्स प्लस बी क्लियर है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी ओके प्लस आपका क्या स्टूडेंट ए कॉन्स्टेंट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन स्टूडेंट्स। अब है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपका क्या है ए एक्स प्लस बी डी एक्स ओके स्क्वायर रूट ऑफ, तो स्टूडेंट आप इसमें ए एक्स प्लस बी लेट कर लोगे और आपका क्या है ओके डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, अभी बात समझ में कि नहीं डी एक्स और ए और आएगा वन अपॉन ए ओके आप कर लोगे ओके। अब है आपका क्या है रूट वो एक्स रूट एक्स प्लस टू डी एक्स, तो स्टूडेंट इसको आप क्या करोगे लेट एक्स प्लस टू इक्वल टू आप टी लेट कर लो ओके तो आपका क्या है डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा ना ओके का इसका वन इसका जीरो डी टी अपॉन डी एक्स तो डी एक्स इक्वल डी टी तो होगा ही ओके। अब नाउ तो स्टूडेंट अब क्या है एक्स एक्स प्लस टू डी एक्स ओके। अब देखो एक्स एक्स की प्लेस पे मैं टी माइनस टू पुट कर दूं देखो एक्स टी माइनस टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा टी माइनस टू ओके। अब देखो रूट दिस तो आपका टी ही है टी डी टी ओके। अब स्टूडेंट आप क्या करो टी माइनस टू ये आप क्या है टी टू दी पावर वन अपॉन टू
डी टी, या मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेना। क्लियर है कि नहीं? ओके, इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ जाएगा फिर। अब क्वेश्चन नंबर आपका स्टूडेंट एट है आपका, इंटीग्रेशन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर। ओके, यही है। ओके, अब स्टूडेंट इसमें आप क्या करो, लेट कर लो 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू डी टी ओ बोल टी। ओके, अब आप इसका क्या है डिफरेंशिएशन करो, तो इसका 0 और ये क्या है 4x, और डी टी ओवर डी एक्स आपका उधर चला गया, तो 1 अपॉन 4x डी टी। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट नाउ लिखो ऑफ। ओके, और क्या x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या x, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका क्या है t है, तो रूट टी इंटू 1 अपॉन 4x डी टी। क्लियर है? x से x कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन 4 और क्या रूट टी डी टी। आप इसको क्या है सॉल्व कर लोगे। ओके, आपका क्या है बड़ा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन स्टूडेंट्स। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप क्या करो, देखो पहले आप इसे क्या लेट करो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो अगर स्टूडेंट रूट के अंदर यदि आपका रूट वाला फंक्शन है तो आपको क्या लेट करना है, जो रूट के अंदर आपका मटेरियल है वो। ओके, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या आपका टी, देखो ये आपका 2x हो जाएगा और ये 1 और ये इधर क्या डी टी ओवर डी एक्स। ओके, तो डी एक्स इक्वल 1 अपॉन 2x प्लस 1 डी टी। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट आपको क्या है सॉल्व करना है, तो नाउ 4x प्लस 2 ओके और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ से स्टूडेंट आप 2 कॉमन ले लो तो क्या 2x प्लस 1 आ जाएगा, और ये तो आप क्या टी लेट ही कर चुके हो, तो टी इंटू डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 1 अपॉन 2x प्लस 1 डी टी। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट दिस आपका क्या है। ओके, आप समझते हो क्या हो गया। ओके, अब क्या रूट टी डी टी, ये तो आप बड़े प्यार से सॉल्व करके टी की वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 10, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स ओके डी एक्स। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है 1 अपॉन, देखो यहाँ से आप एक्स, देखो ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स है तो क्या रूट एक्स आप कॉमन ले लो। ओके, तो आपका क्या है यहाँ से रूट एक्स रह जाएगा, बड़े प्यार से समझना डी एक्स। क्लियर है? अब स्टूडेंट आप रूट एक्स माइनस 1 को लेट कर लो। ओके, तो लेट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, और ये तो आपका 0 ही हो जाएगा और डी टी ओवर डी एक्स। क्लियर है? डी एक्स आपका इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स डी टी। क्लियर है कि नहीं? अब आप नाव लिखोगे और स्टूडेंट आप प्यार से सॉल्व कर दोगे और उसके बाद आप टी की वैल्यू पुटअप कर दोगे, आपका क्या है बड़े प्यार से आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखो स्टूडेंट अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11, तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है, देखो यही है क्वेश्चन x अपॉन रूट में x प्लस 4 x ग्रेटर देन 0। ओके, तो देखो आप क्या करो लेट, मैंने बताया ना अगर रूट के अंदर मटेरियल है तो आप रूट वाले मटेरियल को क्या है आपको लेट करना है। ओके, तो लेट एक्स, देखो स्टूडेंट मैं क्वेश्चन छोड़ता चल रहा हूँ। ओके, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले के 2-3 वीडियो है ना इस चैप्टर के, उनको पहले आप देखो। देखो बेटा मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ता चल रहा हूँ। देखो पेपर एग्जाम आपको देना है मुझे नहीं, मैंने तो आपको सारा कुछ पढ़ा दिया। ओके, आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं? और जो क्वेश्चन टिपिकल एज में होता है वो मैं क्या है ओके खुद से ही छोड़ देता हूँ, आपके लिए छोड़ता ही नहीं हूँ। आई बात समझ में कि नहीं? तो प्लीज़ डोंट फियर बिकॉज आर एट सर हियर। ओके, तो x प्लस 4 इक्वल टू टी,
तो ये आपका देखो यहाँ से बन देखो x का बन ये जीरो ओके, तो यानी कि आपका dx इक्वल टू dt आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो नाउ दिक्कत आपको होनी भी नहीं चाहिए, x अपॉन रूट x प्लस फोर डी एक्स ओके। अब देखो x की वैल्यू आपकी क्या है t माइनस फोर आ जाएगी ना, अपॉन क्या रूट दिस वैल्यू आपकी t है डी टी, क्योंकि डी एक्स और डी टी तो इक्वल ही है। अब आप इसको क्या है ब्रेकआउट करो, यानी कि टी अपॉन रूट टी डी टी माइनस फोर वन अपॉन रूट टी ओके, रूट टी है ना डी टी ओके। अब इसमें देखो ये तो रूट टी इंटू रूट टी लिखा है, तो क्या रूट टी रह जाएगा ना डी टी ओके, ये यहाँ पे डी टी है ओके, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर कर लो इसको ओके डी टी। स्टूडेंट ये भी आपका क्या टी स्क्वायर डी टी माइनस, ये आपका ऊपर चला जाएगा तो फोर टी टू दी पावर माइनस वन अपॉन टू डी टी। अब यहाँ से तो आप कर लोगे ना, कर लोगे सत्यम बदम। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका एक्स क्यू माइनस वन इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस वन होल पावर वन अपॉन थ्री इंटू है आपका एक्स की पावर फाइव ओके। तो स्टूडेंट देखो आप क्या करो टी क्यू माइनस वन को क्या है वो सॉरी एक्स क्यू माइनस वन को आप क्या है टी लेट करो ओके, तो लेट ओके एक्स क्यू माइनस वन इक्वल टू टी, तो ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया बेटा थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना और डी टी ओवर डी एक्स, क्लियर है कि नहीं। आप डी एक्स उधर सेंड करो तो ये वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर डी टी ओके, डी एक्स को जब आपने इधर सेंड कर दिया तो ये वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर डी टी आ गया। अब स्टूडेंट नाउ अब देखो स्टूडेंट बड़े प्यार से देखना एक्स क्यू माइनस वन टू दी होल पावर वन अपॉन थ्री एक्स टू दी पावर फाइव ओके डी एक्स, तो देखो एक्स क्यू माइनस वन को टी लेट किया हुआ है ना, तो टी टू दी पावर वन अपॉन थ्री ओके एक्स टू दी पावर फाइव इंटू डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या है वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर ओके। तो स्टूडेंट देखो ये आपका क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा आपका देखो वन अपॉन थ्री आपका क्या है बाहर आ गया ओके, टी की पावर वन अपॉन थ्री इंटू ओके एक्स टू एक्स क्यू और डी टी यही तो रह जाएगा ना, क्लियर है कि नहीं। अब देखो एक्स क्यू की आप वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे, देखो एक्स क्यू क्या हो जाएगा आपका टी प्लस वन हो जाएगा ना, तो देखो वन अपॉन थ्री टी की पावर वन अपॉन थ्री और क्या टी प्लस वन डी टी, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट आप क्या है ये मल्टी पर के करने के बाद ओके ये पावर ऐड हो जाएंगे, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन वो सॉरी इंटीग्रेशन करते हुए आपको टी की वैल्यू पुट अप कर देना, टी की वैल्यू क्या है एक्स क्यू माइनस वन। आई बात समझ में गई, देखो क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है ओके तो वीडियो को अब तो लाइक कर दो, कब से लगा हुआ हूँ मैं ओके, तो पॉज द स्टूडेंट्स। अब मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस कर दिए हैं जिनको मैं समझा रहा हूँ आपको कि आपको लेट क्या करना है ओके, और उसके बाद आपको क्या है खुद से उनको सॉल्व करना है। जैसे आपका ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस थ्री एक्स क्यू की टू दी होल पावर थ्री, तो आपको ये लेट कर लेना, ये आपका क्या है एलिमिनेट हो जाएगा ओके, आप कर दोगे ओके। और इसमें क्या है देखो वन अपॉन एक्स लॉग एक्स टू दी होल पावर एम, एम को आप क्या है एक रियल नंबर में ओके सॉरी रियल नंबर नहीं कॉन्स्टेंट में क्या है आप ट्रीट करोगे, आई बात समझ में इंटीजर में ओके, यानी कि टू थ्री फोर फाइव ओके माइनस कुछ भी है एम ओके, तो आप एक्स लॉग एक्स लेट करोगे ओके, आई बात समझ में कि नहीं। एम को आप किस प्रकार से ट्रीट करोगे ओके एक इंटीजर में, आई बात समझ में कि नहीं। अब है आपका एक्स अपॉन नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट आप नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर लेट कर लोगे ओके, आप डिफरेंट तो आपका एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे भी आपका एक्स एलिमिनेट, यहाँ पे आप ई की पावर देखो इसमें एलिमिनेट तो कुछ नहीं होगा इस वाले क्वेश्चन में ओके, बट आपका क्या है इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू टी लेट कर लेना और डी एक्स की वैल्यू बनाते हुए आप क्या है सॉल्व कर दोगे ओके। स्टूडेंट यहाँ पे एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर है ओके,
तो यहाँ पे आप क्या है एक्स स्क्वायर लेट करोगे, ओके आपका ये एलिमिनेट हो जाएगा और आप e टू दी पावर t नीचे रह जाएगा ना, तो उसको आप ऊपर ही ले जाओगे, तो e टू दी पावर माइनस t को क्या है, ओके आपको पता है e टू दी पावर माइनस t का क्या होगा, e टू दी पावर माइनस t माइनस और आगे आ जाएगा माइनस t का आप करोगे तो, आप कर लोगे क्वेश्चन को कि नहीं। तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 18, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन स्टूडेंट्स। अब है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 18, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो स्टूडेंट आप देखो tan इनवर्स x को लेट करोगे तो ये 1 प्लस x स्क्वायर आपका क्या है एलिमिनेट हो जाएगा, ओके तो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू बेटा आपका क्या t, ओके अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी ओवर डी एक्स, तो डी एक्स आपका इधर आ गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या आपका डी टी रह गया। अब आप क्या करो नाउ लिखो ओके और क्या ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके तो स्टूडेंट अब देखो ई की पावर टेन इनवर्स एक्स को आपने टी लेट कर लिया है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू देखो डी एक्स आपका क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी टी, क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट। ये आपका क्या है कैंसिल आउट, तो e की पावर t का क्या e की पावर t प्लस सी। अब आप क्या करो e की पावर t की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x प्लस आपका क्या c, ओके हो गया आपका। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन स्टूडेंट्स। अब है आपका देखो क्वेश्चन नंबर 19, तो देखो इसको आपको क्या है सॉल्व करना है, ओके इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो स्टूडेंट ये माइनस है आपका, ओके ये आपका क्या है प्लस। तो स्टूडेंट देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो मैं ये जो e की पावर 2x है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ e की पावर x ओके माइनस 1। नीचे भी क्या है मैं वही कर रहा हूँ e की पावर x प्लस 1 dx, क्लियर है बेटा। अब देखो e की पावर x मैं कॉमन ले रहा हूँ, ओके बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो e की पावर x मैंने क्या है कॉमन लिया, तो क्या बचा मेरे के पास e की यहाँ से तो 1 बचेगा वो सॉरी e की पावर x, और यहाँ से माइनस 1 अपॉन e की, क्योंकि कॉमन मिस क्या होता है डिवाइड देना, ओके तो डिवाइड दे तो दिया, अब यहाँ से भी कॉमन लो तो e की पावर x, तो यहाँ से क्या बचेगा e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x ओके dx, क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट। दिस आपका क्या है कैंसिल आउट, ओके तो आपके पास e की पावर x इसे आप ऊपर ही कर दो, तो माइनस e की पावर माइनस x ओके और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। अब स्टूडेंट आप क्या करो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को क्या है लेट करो, ओके तो लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू t, ओके तो बेटा ये e की पावर x का e की पावर x, इसका क्या e की पावर x का माइनस, ओके e की पावर माइनस x का माइनस x होगा ना, और फिर माइनस x का माइनस इक्वल डी टी ओवर डी एक्स, क्लियर है कि नहीं। अब dx आपका इधर आ गया बेटा, तो 1 अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dt, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो ओके तो अब आपको क्या है हाँ नाउ लिखो इंटीग्रेशन आपका क्या है e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx, इसको आप कहाँ तक सॉल्व करते हुए ले गए थे यहाँ तक, ओके ओके या नीचे ही लिखना है, ओके मेरे पास तो क्या है हैं प्लेस की कमी है, ओके आप पे तो क्या है हाँ बहुत स्पेस है, ओके तो देखो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओके। अब स्टूडेंट आपका क्या झमेला होने वाला, ये आपका क्या है ये t लेट किया है, ओके t ओके इनटू देखो dx की वैल्यू आपके पास क्या है 1 अपॉन देखो क्या है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और क्या बेटा dt, यही तो है दिस आपका क्या कैंसिल आउट, तो बेटा ये आपका क्या हुआ 1 अपॉन t dt क्या होता है log t प्लस एक आपका वही पुराना वाला कॉन्स्टेंट, तो log t की वैल्यू आपकी क्या है देखो log को आप क्या है मॉडुलस में लिखो क्योंकि log नेगेटिव नंबर पे क्या है डिफाइन नहीं है, आई बात समझ में, मैंने आपको क्या शुरुआत में ही बता दिया लॉग नेगेटिव नंबर पे क्या है डिफाइन नहीं होता है, पॉजिटिव रियल नंबर पे डिफाइन होता है, क्लियर है कि नहीं। तो ये आप मॉडुलस अब क्या है टी की वैल्यू आपकी क्या है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओके प्लस वही आपका क्या है सी। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 है ना,
उसको आप क्या डायरेक्टली खुद से सॉल्व कर लोगे, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ओके। उसमें आपको e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x लेट कर लेना है, ओके। तो e की पावर 2x का क्या आएगा, 2e की पावर 2x, और इसका क्या आएगा, माइनस 2 e की पावर माइनस 2x, 2 आप लेट कर लोगे, और उसके बाद dx की वैल्यू बनाते हुए आप क्या है सॉल्व कर लो। नहीं कर पाओ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो जो कल अपलोड करूँगा, ओके, उसमें मैं आपके क्या है क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। आई बात समझ में करें। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, देखो 21 क्वेश्चन करते हैं, बिफोर दैट आप क्या है पॉज करके उसको नोट कर लेना, ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आप किस प्रकार से ट्रीट करना है, 21 क्वेश्चन को 20 आपको खुद से करना है, ओके। तो देखो स्टूडेंट जितना आप क्या है प्रैक्टिस करोगे, ओके, वही आपकी आपके लिए क्या है आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आई बात समझ में, सेहत मतलब ओके सेहत मतलब एग्जाम के लिए, ओके। तो देखो 21 इंटीग्रेशन क्या, टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 और क्या dx, ओके। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप क्या है लेट करो 2x माइनस 3। देखो अगर ये ट्रिग्नोमेट्री में अगर ऐसे ये ओके आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ओके, तो आपको क्या है पहले लेट ही कर लेना है उसको, ओके। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू टी, तो देखो ये 2x का क्या 2, ओके, और ये तो 0 ही हो जाएगा, और dt ओवर तो dx आपका इधर आपके कर दिया, तो 1/2 dt। आई बात समझ में करी। अब स्टूडेंट देखो ना आपको इंटीग्रेशन क्या है टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 dt करना है ना, तो देखो इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर, ओके, दिस आपका क्या है t dt, ओके, और क्या यहाँ पे dx है ये, और dt की वैल्यू क्या है, ओके, ये है 1/2 dt। तो ये अब आप स्टूडेंट आपने क्या किया 1/2 बाहर कर दिया, तो आपके पास क्या टेन स्क्वायर टी डी टी रह गया। अब स्टूडेंट टेन स्क्वायर टी का आपको इंटीग्रेशन मालूम तो है नहीं, ओके, तो आप टेन स्क्वायर को क्या है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से ट्रीट करोगे, ओके। तो देखो आगे 1/2 ये क्या आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी माइनस 1, टी है तो टी आ जाएगा, ओके, और डी टी। अब स्टूडेंट देखो अब आप अलग अलग करोगे और अलग अलग क्या, देखो 1/2 इसका आपका सेक स्क्वायर का क्या होता है 10t, ओके, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, तो क्या 10t, और इसका माइनस टी आ जाएगा ना, और प्लस आपका क्या कॉन्स्टेंट, अब क्या आप मल्टीप्लाई कर दो ना करो तो कोई टेंशन नहीं है, ओके। और टी की आपको वैल्यू जरूर रख देना, नहीं तो आपको क्या है टेंशन ही टेंशन है, ओके। 10t की वैल्यू आपकी क्या है 2x माइनस 3, ओके, माइनस स्टूडेंट आपको क्या है आपको मल्टीप्लाई पहले कर ही लो, ओके, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम ही आएगी, ओके। तो 1/2 10t माइनस 1/2 t, ओके, प्लस सी, ओके, तो 1/2 10t की वैल्यू 2x माइनस 3, ओके, माइनस 1/2 और क्या 2x माइनस 3, ओके, प्लस सी। आई बात समझ में कि नहीं, ये हो गया स्टूडेंट। अब आया आपका sec स्क्वायर 7 माइनस 4x, तो sec स्क्वायर को तो आप ट्रीट कर दोगे, ओके, 7 माइनस 4x आप पहले लेट कर लोगे, ओके, और आपका काम बन जाएगा sec स्क्वायर t यानी कि 10t, आप वैल्यू रख दोगे 7 माइनस 4x, क्लियर है कि नहीं, ओके। अब देखो स्टूडेंट अब है आपका 23 क्वेश्चन, साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, तो इसमें आपको साइन इनवर्स x लेट करते हुए बड़े प्यार से आंसर आपका आ जाएगा, ओके, कर तो लोगे, नहीं तो मैं देखो आप पॉज करके पहले इसको नोट करना, मैं क्लियर किए देता हूँ। देखो मैं थोड़ा सा क्या है ओके ये इजी क्वेश्चन है, ओके, तो मन नहीं लग रहा है करने में, ओके, जब तक क्वेश्चन क्या है थोड़ा। अब देखो 23 क्वेश्चन, तो 23 क्वेश्चन आपका क्या है साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। तो देखो स्टूडेंट अब आपको क्या है लेट करना है, ओके,
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टी, ओके। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, डी टी ओवर डी एक्स। आपका डी एक्स उधर चला गया तो क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। क्लियर है कि नहीं? अब नाउ, तो नाउ आपको क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, देखो साइन इनवर्स एक्स, देखो साइन इनवर्स एक्स तो आपने टी लेट कर लिया है ना, तो टी ओके और क्या 1 माइनस, देखो स्टूडेंट आपको क्लियर, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ ओके, अभी बात समझ में कि नहीं, मैं अपने अदरवाइज आप ये कहो कि सर तुम तो अपनी अना धुन लगे हुए हो ओके, अब हैं हमें तो देख ही नहीं रहा, अरे यार तुम्हें क्या देखें ओके, अभी बात समझ में कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही जी है, अभी बात समझ, तो क्वेश्चन में मन लग गया अभी बात हैं। देखो जब मैं छोटा था ना, छोटा बच्चा ओके, तब मैं क्या करता था, जो इजी क्वेश्चंस थे ओके उनको बड़े प्यार से सॉल्व करता था ओके, बड़ा मन लगा के, तो वही मन क्या है यहाँ पे लग रहा है, क्लियर है कि नहीं? तो देखो टी अपॉन, आपको ज़्यादा मन नहीं लगाना है ओके, आपको सीधे से समझ लेना है, आई बात समझ में कि नहीं ओके, आई बात समझ में। तो देखो डोंट फियर बिकॉज हियर आर इट सर ओके, तो ओके अब क्या देखो डी एक्स आपका क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, दिस हैपन ओके। अरे यार अब भी बताना पड़ेगा कि सर अब क्या करें, तो क्या करोगे हैं, टी डी टी यानी कि 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर प्लस वही ओके, तो 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स का प्लस सी। क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट? यहाँ से आपकी स्टोरी क्या है, कल शुरू होगी ओके, कहानी को क्या है कल स्टार्ट करेंगे ओके। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ओके, आई बात समझ में करी, तो प्लीज़ ओके लाइक ज़रूर कर देना ओके, कमेंट करना मत भूलना, क्लियर है कि नहीं? तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।